सो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं निशु ससवालिया ने फूल हाजिर है अपने न्यू ब्लॉग के साथ। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शाम के बज रहे हैं 7 और मैंने सोचा कि ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर लिया जाए बिकॉज आज है प्रदोष व्रत। तो मैं कुछ मतलब डिफरेंट बनाने वाली हूँ। जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं मे बी अगर वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं अगर उन्हें पसंद आए, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। तो अभी बस इन्होंने पूजा करके अभी बस मंदिर गए हैं पूजा करने के लिए भोलेनाथ जी की, शिव परिवार की। तो मैंने सोचा जब तक मैं भोग खाना बना लेती हूँ तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। चलो चलते हैं। खाना तैयार करने ही जा रही थी कि निक्की की आँखें खुल गई। जग गई क्या अभी तू? सो रही है, चलो कोई नहीं, अभी ये जग गई थी। मैं शाम को लेटी हुई थी तो मेरे पास आई चाची। मैंने कहा हाँ जी कि आप निन्नी कही हो? मैंने कहा हाँ मैं निन्नी कही हूँ। तो मैंने कहा आप भी निन्नी कर लो। तो वैसे करती नहीं है जल्दी से, मैं भी थक गई होंगी क्योंकि पूरे दिन ऊपर नीचे, तो अब ये सो गई। जग गई थी, अपनी आंखें खोल रही थी, देख रही थी, फिर ये दोबारा सो गई। चलो कोई नहीं, बस सोने देते हैं और हम चलते हैं भोग की तैयारी करते हैं। सो ये भी आ गए पूजा करके। पता भी क्या हुआ, मैं आई किचन में, मैंने कहा भोग का वो बना लेती हूँ, इतने में निक्की उठ गई। फिर मैंने कहा चलो, लेकिन सो गई हूँ। हाँ रख दो, मैं बॉईल करने रखूंगी अभी। इसको यहाँ से कर लेते हैं और इसको इस पर रख। तो यहाँ मैं कर रही हूँ साबुदाने को अच्छे से रोस्ट। क्योंकि प्रदोष के व्रत पे हम अन्न तो नहीं खाते हैं, सोचा साबुदाने का जो मैं बना रही हूँ वो मैं आप लोगों को भी बताऊँ। तो इसको लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है। मुझे पता ना चौहान से गुस्सा हो, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बॉटल्स तो गिरेंगी, खाली है। तो यहाँ पर ये रोस्ट हो गया है और ज्यादा रोस्ट नहीं गिरना, सिर्फ 5 से 6 मिनट या 5 मिनट इनफ है। और फिर उसके बाद इसको अभी मैंने यहाँ निकाल कर इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। फिर इसको रख देते हैं यहाँ हवा में ठंडा होने के लिए। और आलू भी बॉइल हो चुके हैं, क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया। देख मे बी एक सीटी और लगानी पड़ेगी, अभी हुए नहीं है। साबुदाना यहाँ हो गया ठंडा। और ठंडा होने के बाद इसको अब हम थोड़ा मतलब पाउडर बनाएंगे, लाइक ग्राइंड करेंगे इसको। तो चलते हैं पहले ग्राइंड कर लेते हैं। और आलू भी मे भी हो गए होंगे, मैंने चेक नहीं किया अभी। ओह माय गॉड, अब कुछ ज़्यादा ही हलवा बन गए। चलो कोई बात नहीं, इसको निकाल लेते हैं पहले बाहर। क्या क्या तैयारी हो गई मैडम? भूख लग रही है थोड़ी सी। हाँ तो बस वो अभी मैंने पाउडर उसका बना लिया है, बस अभी उसमें इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले मैंने सोचा थोड़ा खीर चढ़ा देती हूँ। Okay. क्योंकि भूख में थोड़ा आलू हो गए, भोलेनाथ अच्छा। जी को खीर बहुत पसंद है और वो मैं बनाती हूँ हर बार। तो ये उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लिया, अभी आगे और इसके अंदर स्पाइसी खाना है तो आप अपने हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। मैं तो थोड़ा हरी मिर्च आ गई है, साथ में मैं डाल रही यहाँ पे काली मिर्च क्योंकि लाल मिर्च नहीं हम खाते हैं। इतनी सारी ज्यादा नहीं है ना, ये पाउडर भी तो ऐड करना है। पक्का? हाँ हाँ, साबुदाना भी तो ऐड करना है। भाई कहीं मेरे को तो उछाल दे बाद सुबह सुबह मैं उछाल जाऊँ।
नहीं उछलोगे। चलो ये तुम बोल रहे थे भाई, ये नमक सेंधा नमक, सेंधा नमक ठीक है। हाँ वर्त वाला ही नमक ना, वही वाला खाएंगे। स्वाद अनुसार मैं डाल रही हूँ उसके अंदर, क्योंकि अभी साबुदाना भी ऐड करना है, तो उसी के हिसाब से एक ही बार में ऐड कर लेंगे। और अभी अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। जीरा भी ऐड करना चाहो कर सकते हैं, बट मैं जीरा ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसको पहले रोस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डालेंगे। तो मिक्स करने के बाद अच्छे से अब हम अपना जो पाउडर है ये डालेंगे। साबुदाना है ना ये? हाँ। इसको आटे की तरह गूंद लेना है, पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। थोड़े थोड़े पानी से इसको ऐड करेंगे। मेरी भी वो जग गई है, क्या नाम है, सो गई सो गई, थोड़ा सा खांसने की आवाज आई थी, सो गई दोबारा। रोती तो उसको आटे की तरह लगा लेना है बिल्कुल ही, जिससे आपको जैसे रोटी बनाने में कंफर्टेबल होते हैं उस तरीके से लगा। रोटी अच्छा, ये आलू मतलब पराठा रोटी जो भी वैसा बन रहा है एक तरीके से। और अगर इसके साथ मैं चाय बना दूंगी ना, और जब भी लगने वाला है वो तो बनने के बाद पता चलेगा। चाय का खुद का मन कर रहा बड़ी देर से, तो इसलिए जानबूझ के बोल रहे चाय के साथ और अच्छा लगेगा। चाय चलो देखते हैं चाय वाय का। तो ये एकदम सेट हो गया है, चलो अब बनाते हैं हम इसके पराठे। खीर भी रेडी है मैडम। हाँ कोई बात नहीं, अगर धनिया तो अभी आनू है ना, ठीक से धनिया होता ना तो और ज्यादा अच्छा लगता। मिल जाएगी इससे? हाँ बिल्कुल जाएगा। चलिए अगर हम इसको नॉर्मल डेज पे भी बनाए ना, और उसके साथ स्पाइसी जो ग्रीन वाली चटनी जो मैं बनाती हूँ उसके साथ यम्मी लगने वाला। पापा को खिलाएंगे कल बना के। अभी चुका है गैस, अच्छे से इसको कर लेंगे। एक और से दे तो, जब तक आप थाली पूरी तैयार कर लीजिए। ठीक है, बाकी खाने में पता चलेगा कैसन वा। तो अपनी भोग की थाली रेडी है, ये है खीर, ये है मीठी दही, और ये जो साबूदाना आलू के पराठे। ठीक है, तो मैं जब तक भोग लगा लेता हूँ और आप जब तक फटाफट से और तैयार कर लो, भूख लग रही है बहुत तेज। भोग लग गया? चलो अब बता भी दो। देखता हूँ। हाँ कैसा है? ठीक है, चाय के साथ चाय बना रहे? चटपटे पराठे होते हैं ना, जैसे मम्मी जब मैं अजवाइन और हरी मिर्च वाले बनवाता था, वो टेस्ट आ रहा। अच्छा।
तो रेगुलर वैसे ब्रेकफास्ट में भी खाया जा सकता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा और मतलब हम ये इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, है ना। चलो आप जब तक खाओ मैं और बना देती हूँ। मॉर्निंग में की इसमें ऊपर जा। ओ उठिए, अभी उठिए। बाय निको। तो अपना तो व्रत खुल गया, मतलब मजा आ गया यार खाकर। मैंने तो ओवर ही कर लिया, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है अब। हाँ नहीं सीरियसली, ये निशु मैडम जो अपना डिनर कर रही हैं अब अकेले, क्योंकि मेरा फास्ट था इसलिए मैंने पहले ही व्रत खोल लिया था अपना। क्यों कह रहे कि क्या कहते हैं, अब देखो कितना टाइम हो गया, 9:15 बज गए, मैं लेट हो गई। वैसे कह रहे कि साथ में खाएंगे, साथ में खाते हैं तो ठंडे हो जाते। अब आप खाइए और बताइए। क्या हो गया? वैसे मस्ट ट्राई रेसिपी है एक्चुअली। फास्ट में जैसे हम लोग साबूदाना या फिर मतलब वो सिंगाड़ी का आटा, उस कुट्टू और सिंगाड़ी का आटा का खाते रहते, नॉर्मल है मतलब कॉमन चीज़ है जो हम लोग खाते रहते हैं, या साबूदाने की खिचड़ी। तो ये एक मस्ट ट्राई चीज़ है, डिफरेंट भी है, खाने में भी टेस्टी है। वैसे कुछ लोग इस तरीके से ना वो भी बनाते हैं, मतलब उसके अंदर वो आटा नहीं बनाते, टिक्की भी बनाते हैं ना आलू की, बट उसके अंदर बट यार उससे ज़्यादा बेटर ना मुझे ये लगा, क्योंकि इसके अंदर डीप फ्राई नहीं करना पड़ रहा ना, इसमें हल्का सा ऊपर से घी लगाया और इसको सेक के परांठे की तरह खा लिया, ये ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली मैं हर बार खिचड़ी बनाती थी आलू वगैरह इसमें फ्राई वगैरह करके, मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट तरीका आज यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बताइएगा ज़रूर कैसा बना, और प्लीज़ आप लोग भी अगर आपको पसंद आया है ट्राई जरूर करना। और तो फिर आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि रेसिपी कैसी है। और जो भी हमारे नए व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।